परेशानी अगर गिनाऊं तो दो दिन लगेंगे, परेशानी है ही परेशानियां हैं। कौन सी भी सरकार हो, किसान के लिए तो मतलब ये होना चाहिए कि हमारी फसल को भाव अच्छा मिले। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है किसानों के लिए काम करने की। कर्ज माफ किसान के लिए तो कर्ज माफी जो जरूरी है। सरकार को तब तक समझ नहीं पड़ती है तब तक किसान आत्महत्या नहीं कर लेता। और ये बीजेपी है नहीं, ये है व्यापारी लोग की पार्टी, हमेशा व्यापारी को धनवान करेंगे। देखिए जितना केंद्र सरकार का स्टडी करें तो केंद्र सरकार वहीं खुश होती है जहां पर व्यापारियों का फायदा होता है। बदलाव तो होना चाहिए, अगर ये सरकार रहती बदलाव तो होना चाहिए। हम जो किसान 6 जून को जो आंदोलन हुआ था उसमें लागत मूल्य को लेकर के, दूध फल सब्जी प्याज को लेकर के जो है कि हमको लागत मूल्य मिले, और बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे यहाँ बालागुड़ा से ही स्टार्ट हुआ था, और आप उधर बही चौपाटी से जिस दरवाजे से आए हो वहीं पर जो है किसानों को गोली लगी थी, तो उसका फायदा अभी तक कुछ नहीं हुआ। जहाँ थे वहीं हैं और पिछड़ गए, इसका बदला सरकार हमसे ले रही है और हमारे जो भाव थे वो भाव गिरा दिए। देखिए सरकार उस मामले में पूरी झूठ बोल रही है और वो झूठ का जवाब अभी आपको 28 नवंबर के दिन मिल जाएगा। किसान पूरा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, और ये आंदोलन किस चीज का था? आंदोलन ये था कि जो मध्य प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा है जिसने लाखों की फीस दे के पढ़ाई की और वो बेरोजगार होकर गाँव में चला गया, जब उसने गाँव में जाकर देखा तो सरकार का एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश करते थे, हम लोग ये कर दिया वो कर दिया, और वो लोग जमीन पर देखते थे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखता था। उस चीज का गुस्सा यूथ में आया और उस गुस्से को लेकर यूथ ने अपनी आवाज उठाई, तो ये आवाज हमारे जो मामा जी है उनको सहन नहीं हुई, क्योंकि उनका जो रेत का किला था विकास का वो टूट चुका था, जो उनने झूठ बोला था वो सबके सामने आ गया था। तो उसको दबाने के लिए सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक प्लानिंग के साथ किसानों को गोली मारकर आंदोलन को खत्म करने की बात करी थी। हमको ये स्पष्ट करना होगा, हमको कर्मण्यता मिल रहा है सिर्फ गेहूं पर, पूरी खेती पर नहीं मिल रहा है। तो हमारे लागत जो आई है वो लागत के बराबर भी हमको मूल्य नहीं मिल रहा है, कारण हमें भाव ही नहीं मिल रहा हर चीज को, बाकी लागत भी निकल नहीं पा रही है खेती में। सबसे बड़ी मेहनत तो यह है, अभी तक जो ज्यादा से ज्यादा मैंने 16,000 रुपए पर क्विंटल के भाव तक लहसुन बेची है। लहसुन बेची है जी, और अभी 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 मैं ले गया था 30 बोरी लहसुन अभी 4 दिन पहले, वो मेरी बिकी है 600 रुपए क्विंटल। ये मान चलो 25-30 हज़ार रुपए बीघे का खर्चा आता है, और अभी मान लो अच्छा माल होगा तो 10,000 रुपए बीघे के हिसाब से मिल जाएंगे हम, 15 मतलब बीघे की 12 क्विंटल 15 क्विंटल हो जाती है, तो 500-700 क्विंटल बिक जाती है, 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं एक बीघे का, और 25,000 रुपये 30,000 रुपये खर्च होता है, 20,000 रुपये बीघे के हिसाब से हमारा लास्ट में जा रहे हैं। सरकार और जो दूध संघ है कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं और किसानों को जो है उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 21 रुपए लीटर वाला दूध यही मार्केट में जो है सांची दूध संघ है या डेयरी है वो 35 से 40-50 रुपए लीटर तक बेच रही है, तो कहीं ना कहीं ये बीच का जो अंतर है, अब ये अंतर क्यों आ रहा है, कौन लोग इसको खा रहे हैं कौन लोग क्या कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन किसानों को कम से कम 30 रुपए लागत के हिसाब से उसका मूल्य मिलना चाहिए। गाय को बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, कितनी गाय बेच दिया? हम कम से कम 3 गाय बेचती हैं। कितनी थी? उसके साथ 14 जानवर थे। अच्छा, उसमें से 3 बेच दिया? 3 बेच दी हम, क्योंकि फायदा नहीं हो रहा, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा हमको। मध्य प्रदेश में भावांतर आने से मध्य प्रदेश का ही किसान बर्बाद नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के आइट साइड के जो राज्य थे, जो सोयाबीन उत्पादक राज्य थे, दलहन उत्पादक राज्य थे, उन पर फोर्स सेलिंग के कारण पूरा बाजार का सप्लाई इतना ज़्यादा और डिमांड के आगे सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया था कि पूरा रेट क्रश कर गया था, नीचे आ गया था। पिछली बार भावांतर से 30 से 35 हज़ार करोड़ का मध्य प्रदेश के किसानों को लॉस हुआ, टैक्स पेयर का लॉस हुआ, और सिर्फ प्रॉफिट हुआ है तो उन 8-10 इंडस्ट्री को, उन सोया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हुआ, जो कि सरकार के कहने पर और उनके कहने पर ये योजना लाई गई थी। भावांतर जो लाया गया है उसका ही पूरा पूरा फायदा अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और वो केवल व्यापारी लोग और जो बुद्धिजीवी और बड़े किसान हैं उसका लाभ वही लोग ले रहे हैं, और जो छोटे किसान हैं गाँव को उनको लाभ इस बात का नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिला हमको। उसके बाद में क्या है कि 700 रुपया क्विंटल ये लहसुन बिक्री और 800 रुपया क्विंटल सरकार ने दे दी, तो 700 ने 800 1500 हो गए, तो 1500 रुपया क्विंटल में हमारी पूर्ति नहीं है, हमारे माल बिकता, हमारे 4,000 भी बिकता है तो हमको माल मिलता है।
भावांतर सर क्या होता है, बहुत सी बार मैं गया भी सही तो भावांतर का फायदा तो अभी तक मैंने ना लहसुन का लिया है ना प्याज का हुआ है ना मुझे एक पैसा अभी तक मेरे पास कोई भावांतर नहीं आया है। पैसे की आवश्यकता किसान क्रेडिट कार्ड से हो जाए और जब भी अच्छा भाव आए तब जाके वो अपनी फसल को बेच दे, ये था उसका किसान क्रेडिट कार्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, भावांतर में इन्हें एकदम से एक महीना दो महीने का लिमिट दिया, पूरे देश मध्य प्रदेश के किसानों को एक साथ बाजार में पूरा का पूरा माल बिकवा दिया। माल बिकवाने से क्या हुआ, फोर सेलिंग हुई, बाजार में जितना परचेस करने की क्षमता थी ट्रेडर की उससे दुगना माल आने लगा, जब दुगना माल आएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ने से क्या हुआ रेट नीचे आ गए, पूरा गोलमाल चला और उसी का परिणाम है कि आज तक किसान खड़ा नहीं हो पाया। सरकार तो कहती है कि हम गोवर्धन बोर्ड से आपको पैसा नहीं दे रहा नहीं सरकार, एक गाय पे वो पाँच रुपए देते हैं, चार रुपए नहीं देते हैं, नहीं मिलता उसको, नहीं मिलता नहीं, यानी सारा खर्चा खुद से, सारा खर्चा कुछ नहीं मिल रहा हमको अभी। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जमीन पे काम करने की बजाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में ज्यादा ध्यान दिया, आंकड़ों को कागज पर दिखाया है, लोगों को बताया कि हम लोग विकास कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें दिखाने की कोशिश की, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने विश्व की सबसे ज़्यादा कृषि की विकास की है। अगर आपने कृषि की सबसे ज़्यादा विकास करी होती तो मध्य प्रदेश में 84,000 करोड़ का किसानों के ऊपर कर्जा क्यों हुआ? अगर वाक्य में आप आय दुगनी करने का, खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प अगर आपने लिया है तो मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर आत्महत्या पर क्यों आ गया है? ये चीजें दिखाती है कि जो मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसके उल्टे जमीन पर हो रहा है। गांव की शिक्षा खत्म कर दी किसान के लिए, किसान को आज इतना मजबूर कर दिया है कि 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपया, 70,000 रुपया की फीस भर के उसको बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल गाँव से नदारद हो गई है। उसके बाद में आकर अगर रोजगार की बात करते हैं तो गाँव में रोजगार बिल्कुल जीरो हो गए। कर्मणता में ये पूरा आंकड़ों का खेल करते हैं। अभी भी मध्य प्रदेश का जो गेहूं का प्रोडक्शन ये बताते हैं औसतन 33 कुंटल बता रहे हैं कर्मणता में। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग ले रहे हैं 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर ले रहे हैं, ये हर साल प्रोडक्शन उतना ही बताते हैं जितना कि 10-15% की ग्रोथ देखे और इनको कर्मणता पुरस्कार मिल जाए। बहुत बड़े लेवल पे खेती छोड़ रहे हैं, यहाँ दो लोगों के लिए लाभ का धंधा हुई है, एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी के बेटे के लिए है जिनने 90,00,000 रुपये कमाया और दूसरे हमारे कृषि मंत्री के लिए जिनने आम का बगीचा से 2 करोड़ कमाया। हम प्राइवेट की तरफ जाने वाले, सेंट्रलाइज की तरफ जाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारे को डेवलपमेंट करना है, देश के को विकास देना है, खेती को विकास देना है तो हमको गाँव तक रीच पहुँचानी पड़ेगी, होम डिलीवरी करनी पड़ेगी, कास्ट कम करनी पड़ेगी, परंतु सहकारिता को सरकार ने बर्बाद कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी 2-1.5 साल पहले जो RSS के जो संघ के बड़े प्रचारक थे उनने सहकारिता पे खुलेआम प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे शिवराज जी पे कि आपने भूमि विकास बैंक बंद कर दिए, शुगर मिल जो थी सहकारिता उनको बंद कर दिया है, किसानों को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है इसमें कि आज की तारीख में सहकारी समितियाँ कुर्सी बदलने में सक्षम नहीं है। पर मध्य प्रदेश में जो डिजिटल करने का, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का था, ये किसानों को फायदा कम और व्यापारियों को ज़्यादा देना का हो गया था। अब जिस किसान को ईश्वर नहीं है कि उसका माल बिकेगा, उसको पहले ही आप कटाई के पहले उससे आपने 300-400 रुपये ले लिया, हर आदमी को जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा, मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ी, काफ़ी ज़्यादा तकलीफें दी। ये तकलीफों देने की बजाय आपको अगर करना था घर घर गाँव गाँव आप अपने व्यक्ति को पहुँचा के बड़ी आसानी से आप उसको डिजिटल कर सकते थे, परंतु डिजिटल करने का धैर्य इनका किसानों का नहीं, सिर्फ ये दिखाने का था कि हम लोग काम कर रहे हैं, उसका फायदा किसी किसान को नहीं मिला। देखिए, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको ठग इसलिए कहा गया है कि वो सिर्फ सपने बेचे हैं, सपनों से ठगा है, भावनाओं से ठगा है, घोषणाओं से ठगा है। आप देख लीजिए उनके जो भी भाषण है उसमें बढ़िया तरीके से बताते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, पर काम एक बार भी नहीं करते इसलिए ठग है। 23,000 घोषणाएं कर दी, काम नहीं हुआ इसलिए ठगे। 29% की कागज पे ग्रोथ दिखा दी और इधर 84,000 करोड़ का कर्जा किसान पे कर दिया इसलिए ठगे। फसलों में भावांतर लाके पिछले बार 30,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का नुकसान दे दिया किसानों को इसलिए ठगे। सहकारिता को बर्बाद कर दिया इसलिए ठगे। उसके बाद में पिछली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा से हम लोगों ने फसल का बीमा कराया था, पूरी मध्य प्रदेश में फसल चौपट हो गई थी, वो भी 15-20 हज़ार करोड़ का फसल बीमा आना था जो 5,000 करोड़ का लाके दिया इसलिए ठगे। इसलिए उनको हम लोग मिस्टर ठग कहते हैं।